बगहा में हुए डबल मर्डर के मुख्य आरोपी पर एसएसपी ने किया 25,000 का इनाम घोषित, कहा पूरी तरह से सामान्य है स्थिति। विकास कार्यों की मंडली समीक्षा बैठक में कमिश्नर अनिल कुमार ने सीएमओ कुशीनगर को दिया प्रतिकूल प्रविष्टि। गोरखपुर मंडल के सभी जिलों में 14 अप्रैल से 5 मई तक चलेगा ग्राम स्वराज अभियान, मुख्य सचिव राजीव कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया निर्देश। गोरखपुर के 40 सेंटरों में संपन्न हुई बीएड प्रवेश परीक्षा, 20,000 अभ्यर्थी हुए शामिल। दस्तक अभियान के तहत जेई और एईएस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 18 अप्रैल को रैली निकालने का सभी डीएम को मंडलायुक्त ने दिया निर्देश। श्रीमाली समाज ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर निकाली भव्य शोभा यात्रा, माली उत्सव सुजैनी में हुआ शोभा यात्रा का समापन। पेंशन कर्मचारी संघ की बैठक हुई संपन्न, कहा अगर सरकार पुनः पेंशन को बहाल नहीं करती तो होगा बड़ा आंदोलन। बहुजन मुक्ति पार्टी ने आयोजित किया पिछड़े और दलित समाज के मसीहा ज्योतिराव फुले की 191वीं जयंती समारोह। महानगर ने फिर मौसम ने ली करवट, हुई हल्की बरसात। और फिफ्थ असाइड अंडर 16 जनपदीय हॉकी प्रतियोगिता पर बालक वर्ग से एफसीआई और बालिका वर्ग से वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के रेड की बालिकाओं ने किया कब्जा।